हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपके सभी सगे संबंधी भी स्वस्थ होंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए लास्ट टॉपिक ऑफ द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स। सो दिस इज द लास्ट थ्योरी दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर विजिट फर्स्ट टाइम इन माई चैनल, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर इसको शेयर करें टू गेट द टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन एंड नॉलेज एंड नोट्स रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेकेंड ईयर टू फाइनल ईयर ऑनवर्ड्स। अभी मैं 5 सब्जेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, 6 सब्जेक्ट्स पे। कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे ही ये सब्जेक्ट लगभग कंप्लीशन पे आएगा 10 दिन बाद, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का। मेरा मेन टारगेट है बिफोर द एग्जामिनेशन आई विल प्रोवाइड यू द इंटायर सब्जेक्ट्स टॉपिक बाय टॉपिक इन माय चैनल। सो गाइस, आप लोग अगर फैकल्टी मेंबर है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें। बिफोर दैट आई ऑलवेज सजेस्ट यू, इन नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी द रेफरेंस बुक फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो दीज बुक्स टू गेट द बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी। तो इस स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी को पढ़ने से पहले हम लोग दो ऑलरेडी लिक्विड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, जो लिक्विड डायलैक्ट्रिक में जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है उसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी एंड सेकेंड वन इज कैविटेशन एंड बबल्स थ्योरी। तो अब आप ये जो देख रहे हैं ये है एक स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी। ये विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, जो हमारा डायलैक्ट्रिक लिक्विड है उसके विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट आप लाइन देखिए, द डायलैक्ट्रिक फील्ड और ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ लिक्विड इज फंक्शन ऑफ, ये एक फंक्शन ऑफ होता है लार्जेस्ट पॉसिबल इंप्यूरिटीज और वीक लिंक, इसके फंक्शन के रेस्पेक्ट में होता है। इट वॉज प्रपोज दैट द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल इज डिफाइंड बाय द वीकेस्ट रीजन इन द ऑयल। मीन्स ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल क्या होगा डिफाइन करते हैं, जो हमारा वीकेस्ट रेंज होता है वो हमारा ऑयल का हम लोग देखते हैं, वीकेस्ट रीजन इन द रीजन इन द ऑयल, नेमली द रीजन विच इज स्ट्रेस्ड द मैक्सिमम एंड बाय द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इंक्लूडेड दैट रीजन। तो इसके हिसाब से हम लोग ये चीजें देखते हैं। अब द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द गैस कंटेंट इन द ऑयल, द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल एंड द प्रेशर ऑफ अदर इंप्यूरिटीज, इसी पे डिपेंड करता है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है उसका। तो जो हमने पहले भी डिस्कस किया है ड्यूरिंग बबल्स थ्योरी में, जो बबल्स है वो काफी ज्यादा अफेक्ट करता है उसके। तो आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं ये स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम है सीसी। अब आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा स्ट्रेस्ड हम कर रहे हैं ऑयल को उतना ज्यादा इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कम हो रहा है। दिस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज पर सेंटीमीटर, केवी पर सेंटीमीटर। दिस इज द 100 केवी, दिस इज 200 केवी, दिस इज 300 केवी। तो हम लोग देखते हैं कि 10^-2 पे जो है वो ठीक ठाक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे इसको स्ट्रेस्ड करते हैं ऑयल को और हम लोग स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस मतलब क्या हुआ, उस पर खिंचाव हुआ, कंप्रेशन मतलब दबाव होता है, स्ट्रेस मतलब खिंचाव होता है। ये स्ट्रेस क्यों होता है, ये स्ट्रेस होता है ड्यू टू इंप्योरिटीज अवेलेबल इन दी पर्टिकुलर डायलैक्ट्रिक लिक्विड्स। तो उसमें जब लिक्विड्स में अदर जो हमारे इंप्योरिटीज है उसके कारण क्या होता है, जैसे ही हम लोग हाई वोल्टेज उसमें पुट करते हैं तो धीरे धीरे ऑयल जो है हीट होने लगता है और उसमें स्ट्रेस होने लगता है वो सारी पार्टिकल्स। तो इसी कारण से जो डायलैक्ट्रिक है वो ब्रेकडाउन हो जाता है लिक्विड के डायलैक्ट्रिक के केस में। नेक्स्ट आप देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम। इसमें क्या कहा गया है, जो आपका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम के, यानी स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा। क्लियर है, आप साफ देखिए फर्स्ट लाइन यही लिखा है मैंने सेकेंड स्लाइड में कि ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम। जितना ज्यादा स्ट्रेस्ड ऑयल का उस ऑयल के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा उतना हमारा ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे कम होगा। ये प्रीवियस ग्राफ में मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिक्टेट करा चुका हूं। अकॉर्डिंग टू ऑल थ्योरीज सो फार कंसिडर्ड वी ट्राई टू ऑब्टेन द मैक्सिमम ऑब्टेनेबल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ओनली।
तो जितने भी हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, चाहे आप ले लीजिए सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी, या चाहे आप ले लीजिए बबल्स एंड कैविटेशंस थ्योरी, या चाहे ये स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी, हमारा मेन पर्पस क्या होता है? हमारा मेन पर्पस होता है कि ऑब्टेन द मैक्सिमम ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, या जिसको हम लोग डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। हाउएवर द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शोड दैट द मैक्सिमम ऑब्टेनेबल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ओनली। हाउ द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शोड दैट द वीबी इज इक्वल टू ए डी टू द पावर एन, वेयर वीबी क्या है एक, दिस इज योर ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड डी इज द गैप लेंथ, उसके बीच में कितना गैप है, लेंथ है सेंटीमीटर में हम लोग ये लेते हैं। ए इज ए कॉन्स्टेंट, ए एक कॉन्स्टेंट है, एन इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट लेस देन वन, एल एन भी एक कॉन्स्टेंट होगा, ए भी एक कॉन्स्टेंट है, बट ए की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, ए की वैल्यू मे भी उस डायलैक्ट्रिक की प्रॉपर्टी के हिसाब से होगी, लेकिन एन जो है एन कॉन्स्टेंट होगा ऑलवेज, और इसका जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज लेस देन वन होगा। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वोल्टेज, जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है ओवरऑल, अगर मैं लिक्विड डायलैक्ट्रिक की बात करता हूँ, लिक्विड डायलैक्ट्रिक के केस में मैं बात करता हूँ, तो जो हमारा ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है वो जो डिपेंड करेगा, या डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल लीजिए, या ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल लीजिए, या ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ बोल लीजिए, ऑल आर सेम थिंग, तीनों चीजें सेम है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वोल्टेज, नेचर ऑफ वोल्टेज क्या है, इट इज एसी और इट इज डीसी, द मोड इन विच द वोल्टेज इज अप्लाई एंड द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि एक टाइम लैग ग्राफ भी आपको दिखाया था मैंने सॉलिड के केस में। तो आप क्या देखते हैं, या जब मैंने आपको बताई थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डायलैक्ट्रिक मटेरियल, उसमें भी आपने देखा था कि टाइम लैग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद कौन सा मोड है जो वोल्टेज हम अप्लाइड कर रहे हैं, द एबव रिलेशनशिप इज ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस एंड द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ऑफ ए गिवन ऑयल यूज इन डिजाइन इज ऑब्टेंड फ्रॉम दिस। तो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो ऑयल है उसको हम डिजाइन करते हैं इसी इक्वेशन के बेस पे। अब देखो दो चीजें यहां पे हैं। पहली चीज है, जितने भी हम लोग सॉलिड डायलैक्ट्रिक यूज करते थे वो हम लोग ओपन एनवायरनमेंट में यूज करते थे, बट लिक्विड डायलैक्ट्रिक को कभी भी हम ओपनली यूज नहीं करते। ये कॉम्पैक्ट होता है, या तो ट्रांसफार्मर के अंदर होगा, या सर्किट ब्रेकर के अंदर होगा, या कैपेसिटर के अंदर होगा, या हमारा केबल है उसके अंदर पैक्ड होगा। इसको हम लोग कभी भी ओपनली यूज नहीं करते। दूसरी चीज, इसमें हमें ऑलवेज एक सेंसर डिवाइस या हमें एक टेम्परेचर डिटेक्टर जरूर लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम हाई वोल्टेज पास करते रहेंगे और कभी स्विचिंग सर्ज या ये चीजें आ गई तो वहां पे उस ऑयल के अंदर फ्लैश ओवर हो सकता है, आग लग सकती है, या ब्लास्ट हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर में आग लग गया, बर्न हो गया ट्रांसफार्मर, वो इसलिए क्योंकि कहीं पे स्पार्क हुआ और वो लीकेज ऑयल था वहां पे, उसमें लग गया और उस कारण से ब्लास्ट हो गया। सेकेंड थिंग, जितने भी हाई रेंज के ट्रांसफार्मर होते हैं, मैंने पहले भी कहा है, वो उसमें बकोल्स रिले लगा होता है ताकि उसके ऑयल की जो प्रॉपर्टी है उसको सेंस करके हमें रिले के थ्रू देते रहे इन्फॉर्मेशन, ताकि हम उसको वापस रिसेट करें। सेकेंड, एक तो डिफरेंस ये हो गया कि इसमें हम ओपन में यूज नहीं करते हैं, सॉलिड को हम लोग ओपन में यूज करते हैं। जनरली आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लिक्विड और सॉलिड में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बता सकते हैं कि लिक्विड डायलैक्ट्रिक को हमेशा कॉम्पैक्टली यूज किया जाता है, मतलब चारों तरफ से पैक करके, बट सॉलिड को हम लोग ओपन एनवायरनमेंट में यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, सॉलिड को हम लोग कभी भी रीसेट नहीं कर सकते हैं, वो सीधा का सीधा एक फ्लैश होगा, बर्न होगा, ब्लास्ट होगा। बट लिक्विड डायलैक्ट्रिक में खास प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमें पता चल गया कि ये अब एक सेचुरेशन रीजन में जा रहा है, ब्रेकडाउन रीजन में जाने वाला है, तो उससे पहले ही मैं उसको कुछ देर के लिए उसमें सप्लाई बंद कर दूंगा, तो इट विल रीसेट अगेन एंड रीयूज एज वेल एज प्रीवियस प्रॉपर्टी, जो इसकी पहले की प्रॉपर्टी है उसी के हिसाब से वो उस पर अपना काम करेगा। तो दीज आर दी ऑल थ्योरीज रिगार्डिंग दी ब्रेकडाउन मैकेनिज्म ऑफ लिक्विड डायलैक्ट्रिक। ये आपका कंक्लूड हो गया टॉपिक। मैंने इसमें आपको ये बताया कि लिक्विड डायलैक्ट्रिक किस तरह से है, और लिक्विड डायलैक्ट्रिक में इंप्योरिटीज के रीजन क्या है, और जितने भी तीनों हमारे थ्योरीज है ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के, चाहे सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी हो, या आपका कैविटेशनल बबल थ्योरी हो, या स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी हो, इसमें सभी को मैंने आपको एज पर एज योर सिलेबस जितना सा कंटेंट चाहिए उतने कंटेंट में मैंने आपको ये चीजें एक्सप्लेन की है। डिटेल के लिए आप बुक रेफर कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में
स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी आप तभी लिख पाते हैं जब आपसे डिटेल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक, तब आप तीनों लिखेंगे और तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अगर एक रेशियो ले तो 60% क्वेश्चन फ्रॉम कैविटेशन एंड बबल थ्योरी, 30% फ्रॉम स्ट्रेस्ड सॉरी सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी एंड 10% ओनली इंडिविजुअल केम एज ए स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी। क्लियर है? बट सारे मैकेनिज्म करके भी एक चीज जरूर आप जान लीजिए कि वी नेवर मेक ए प्योर लिक्विड डाइलेक्ट्रिक जिसमें किसी भी तरह की इंप्यूरिटीज नहीं हो, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट येट, अभी तक नहीं है। हाँ, हम उसकी प्रॉपर्टी को एनहेंस कर सकते हैं, उसको और ज्यादा प्योर बना सकते हैं, नियर बाय एक्यूरेसी ला सकते हैं, बट इट्स नॉट ए 100% प्योर डाइलेक्ट्रिक, वो हम नहीं बना सकते। ठीक है गाइज, तो लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, फॉर द डिटेल नॉलेज यू कैन रेफर दीज बुक्स रिटन बाय ग्रेट स्कॉलर एंड प्रोफेसर्स, जिनको मैं हमेशा हेड्स ऑफ करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बुकें लिखी, जिसको पढ़ के मेरे को खुद सोचना पड़ता है कि मेरे को 10 टू 15 मिनट में क्या बोलना है नहीं बोलना है, बहुत प्रिसाइज करता हूं, बट कई कई चीजों पे इतना ज्यादा इन सब बुकों के पढ़ने के कारण नॉलेज बाय डिफॉल्ट आया है ईश्वर की कृपा से और इन गुरुओं की कृपा से कि टाइम कम रहता है, बट मैं कोशिश करता हूं कि उतने कम टाइम में मैक्सिमम जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उसको मैं आपके लिए कवर कर सकूं। सो गाइस, लास्ट में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के ऑल अक्रॉस द कंट्री, और अगर आप फैकल्टी मेंबर है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने स्टूडेंट को जरूर शेयर। So guys, wish you all the best again, and the topic of breakdown mechanism in liquid dielectric is concluded now. Thank you guys.